हेलो एवरीवन, मैं हूँ सिम्मी और आपका मेरे चैनल आर्टफुल सिम्मी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम दो डीआईवाई बनाने वाले हैं। तो पहला डीआईवाई जो होगा वो स्टोन आर्ट करेंगे हम। स्टोन पे हम क्यूब से लक्ष्मी जी और गणेश जी बनाएंगे। और सेकंड जो डीआईवाई है वो हम वेस्ट मटेरियल से बनाएंगे, जिसमें हम ट्राइबल क्ले आर्ट करने वाले हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा देरी नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट करके भी जरूर से बताना। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो स्टोन आर्ट के लिए मैंने ले लिए थे दो स्टोन और इन पे जेसो अप्लाई कर लिया था। स्टोन आर्ट के लिए जब भी आप स्टोन लें तो उस पर जेसो जरूर अप्लाई कर लें। और अब इसके बाद मैं इनके ऊपर गणेश जी और लक्ष्मी जी को ड्रॉ कर ले रही हूँ पेंसिल से। तो ड्रॉ हो जाने के बाद मैं सबसे पहले इनका बैकग्राउंड कलर करूँगी, जिसके लिए मैं ये लाइट पर्पल कलर ले रही हूँ और इससे दोनों की बैकग्राउंड को मैं कलर कर दूँगी। तो बैकग्राउंड कलर हो जाने के बाद मैं इनका स्किन वाला पार्ट जो है उसको कलर कर लूँगी। तो इनके स्किन वाले पार्ट को कलर करने के बाद मैं अब इनकी स्किन को हाईलाइट करूँगी। तो हाईलाइट मैं थोड़ी डार्क शेड से कर रही हूँ, स्किन कलर के ही डार्क शेड से। तो हाईलाइटिंग के बाद मैंने गणेश जी के हाथ में ये लोटस पेंट कर दिया है। नाउ हम इनकी ड्रेसेस को पेंट करेंगे। तो मैंने ड्रेसेस के लिए ना मेटैलिक कलर यूज़ किए हैं, आप चाहें तो नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने गणेश जी की धोती को ग्रीन कलर से किया, लाइट ग्रीन से, और डार्क ग्रीन से मैं हाईलाइट कर रही हूँ उसको। एंड देन हम मुकुट और ज्वेलरी को गोल्डन करेंगे। और कलरिंग पार्ट सारा हो जाने के बाद अब हम आउटलाइनिंग कर लेंगे इनकी। तो ये आउटलाइनिंग वाला पार्ट जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसके बाद ही सारी ड्राइंग की या पेंटिंग की लुक आती है। तो आपको ये सारी पेंटिंग वाले पार्ट में क्या चीज़ अच्छी लगती है, कौन सा स्टेप अच्छा लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताना। तो गणेश जी को कलर कर देने के बाद हम सेम ऐसे ही लक्ष्मी जी को भी कलर कर देंगे। तो यहाँ हमारा ये कलरिंग पार्ट हो गया, अब सेम इनको भी हम आउटलाइन कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारा क्यूट सा स्टोन आर्ट तैयार हो गया। तो इसके बाद मैंने इसके ऊपर बारनेस अप्लाई कर दी थी ताकि ये सेफ रहे इनके कलर्स। तो चलिए देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं ना। तो इनको आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, एज अ पेपर वेट भी यूज कर सकते हैं या फिर डेकोरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड डीआईवाई की तरफ। तो सेकंड डीआईवाई के लिए मैंने ये डिब्बों के ढक्कन ले लिए हैं। तो ये हम खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं बाहर से, तो वो जो डिब्बों में पैक होके आता है बस उसी के ढक्कन है। अब इसके ऊपर ना मैं ये कपड़ा पेस्ट करूँगी। अब ये कपड़ा मैं इसलिए पेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना ये क्लॉथ का टेक्सचर चाहिए था। अगर आप बिना कपड़े को पेस्ट किए भी अगर बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं, या फिर आप जूट का जो कपड़ा होता है ना वो भी यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं ये फेविकोल की हेल्प से इस कपड़े को इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी और इसी तरह से दूसरे वाले पे भी पेस्ट कर दूँगी मैं इस कपड़े को। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसको हम कट कर लेंगे। तो अब ये ढक्कनों पे कपड़ा पेस्ट हो जाने के बाद इसको सूखने देना है थोड़ी देर। और अब इसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसके ऊपर कलर करूँगी। और अब मैं ये मेटैलिक कलर ले रही हूँ और इसको इन दोनों ढक्कनों के ऊपर जो कपड़ा पेस्ट किया है ना इनके ऊपर कर रही हूँ। और अब इनको सूखने के लिए रख देना है। और इसके बाद मैं ये क्ले ले रही हूँ और इससे हम जो भी हमें डिज़ाइन बनाना है वो बनाएंगे। तो मैं ये ढक्कनों से ना एक बॉल हैंगिंग बनाने वाली हूँ जिसके ऊपर ट्राइबल आर्ट किया हुआ है, मतलब क्ले से हम ट्राइबल आर्ट करेंगे अभी। तो सबसे पहले तो मैं क्ले को ये ढक्कन की साइड में पेस्ट कर रही हूँ ताकि जो हमने क्लॉथ इसके ऊपर पेस्ट किया था वो निकले नहीं, अच्छे से फिक्स हो जाए।
एंड देन मैं बना रही हूँ एक पेड़ की टहनी और इसके ऊपर हम एक झूला बनाएंगे एंड देन इस झूले पर एक ट्राइबल लड़की बनाएंगे और उसको एक लड़का भी होगा जो कि उसको झूला झूला रहा है। इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा है नहीं, तो आप वीडियो को एंजॉय करिए। तो ये लीजिए, हमारा एक ढक्कन पे तो डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। बस इसी तरह से हम दूसरे पे भी बना लेंगे, होगा उसमें भी ट्राइबल आर्ट ही, बट थोड़ा सा डिज़ाइन अलग होगा उसमें। तो अभी दोनों ढक्कनों पे हमारा क्ले वर्क तो कंप्लीट हो गया, अब हम कलर कर लेते हैं। तो मैं ये सारे पे ही ना मेटैलिक कलर ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मेटैलिक कलर ना हो तो आप नॉर्मल कलर भी कर सकते हो। बस उसके बाद ये कर सकते हो, आपके गोल्डन कलर से हल्का सा शेड दे सकते हो, फिंगर से ही हल्का हल्का कलर। तो ये हमारी दोनों पे ही कलरिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इनको एक साथ में पेस्ट कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने ऊन ली है और ऊन में थोड़े से बीड्स वगैरह लगाए और इस तरह से साथ में पेस्ट कर दिया है। और नीचे मैंने 3 पोम पोम लगा के बेल्स लगा दी हैं। और ये हमारा सेकंड DIY भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। मेरे DIY आपको कैसे लगते हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करो, नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना।